सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें अटेंडेंस शीट के लिए हमने पहले हेडिंग देनी है। अटेंडेंस शीट यहाँ पे देखना है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिख देंगे। फिर उसके बाद हम सीरियल नंबर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम नेम देंगे, सीरियल नंबर हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे, जो भी मैंने बताया था फिल सीरीज वाला ऑप्शन, उसकी हेल्प से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेम डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने नेम लिख लिया है। अब हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो डेट लिखने के लिए हमारे पास जो सिस्टम में यहाँ पे डेट अपडेट होती है, वही डेट हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 31st एंड फिर मंथ डालेंगे 01 एंड उसके बाद 2024, कुछ इस तरीके से। फिर हमें दूसरी डेट कैसे निकालेंगे, हम एक एक करके ऐसे लिखेंगे तो है नहीं, तो इक्वल टू में हमें ये वाली डेट लेनी है, प्लस 1 करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें दूसरी डेट मिल जाएगी। एंड फिर एक बार फार्मूला लगाने के बाद हम जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो फार्मूला कंटिन्यू चलता जाएगा एंड कुछ इस तरीके से हमें सारी डेट मिल जाएंगी। अगर हमारे आंसर में ऐसा कुछ आ रहा है तो हम ऑल्ट एच ओ आई एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑटोफिट कंटेंट का ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा जो भी राइट डाउन किया है हमने। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे डेट को, क्योंकि हमने डेट दी है अभी मंथ, वो डे भी तो देना है हमें। तो कंट्रोल सी से हमने इसकी कॉपी करी एंड यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से हमने इसको पेस्ट कर दिया सेम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो डेट ले रखी है हमने, सबसे पहले हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे अपने मोर नंबर फॉर्मेट्स वाले ऑप्शन पे एंड कस्टम पे जाना है हमें। जैसे कि हमारी डेट पूरी लिखी आ रही है, डेट हमें चाहिए तो हम ट्रिपल डी लिखेंगे, जैसे कि वेडनेसडे आ रहा है, अभी मैं डी दोबारा लिख दूंगी। तो अगर डी हम चार बार लिख देते हैं तो डे पूरा लिखा आएगा। जैसे एम 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 लिखेंगे हम तो हमारे पास पूरा मंथ लिखा आएगा एंड ईयर में ईयर लिखा आएगा, कुछ इस तरीके से। तो हमें डे चाहिए अभी, तो हम ट्रिपल डी कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से जो हमारा डे है वो आ जाएगा। फिर हम इसको भी सेम ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए लेके चले जाएंगे एंड यहाँ पर तो हमारा डे आ जाएगा। तो अटेंडेंस शीट में हम अपने अकॉर्डिंग एब्सेंट प्रेजेंट जो भी हम लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। प्रेजेंट में पी लग जाएगा, एब्सेंट में ए, एंड संडे का तो हमारा हॉलीडे ही रहेगा, एच लगा सकते हैं हम इसमें, एच एच लगा दिया हॉलीडे के लिए। फिर उसके बाद लीव भी लिख सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। लास्ट में हम इन्हीं अटेंडेंस को काउंट करेंगे कि कितनी एब्सेंट थी, कितनी प्रेजेंट थी, कितनी लीव थी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ दे देंगे। फिर उसके बाद अगर हमें बार बार नहीं लिखना है तो हम इसकी कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये। फिर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंट प्रेजेंट डाल दी। फिर उसके बाद अब हमें करना क्या है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये मेन निकालनी है कि हमने प्रेजेंट कितनी है हमारे पास एंड एब्सेंट कितनी है और हॉलीडे कितने हैं हमारे पास एंड लीव कितनी है हमारी टोटल। तो ये काउंट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें काउंट सीरीज समझनी पड़ेगी। ये क्राइटेरिया है हमारा, यहाँ पे हम दे देते हैं क्राइटेरिया। उसके बाद अब हमें फॉर्मूला पुट करके हमें प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे लीव जितनी भी है हमारी वो निकालनी है। तो कुछ इस तरीके से अब हम ये जो हमें
एब्सेंट प्रेजेंट लीव निकालनी है वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? जब हम काउंट कंडीशन पढ़ते हैं, काउंट सीरीज पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले, तो काउंट सीरीज का काम होता है कि जो एब्सेंट प्रेजेंट है हमारा ये उसी की हेल्प से होगा, तो सबसे पहले हमें काउंट सीरीज समझना पड़ेगा। तो काउंट सीरीज पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, काउंट सीरीज काउंट सीरीज में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, पहले पढ़ेंगे हम काउंट, उसके बाद है हमारा काउंट ए, उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट टिप्स। ये सारी चीजें हमें काउंट सीरीज के अंदर पढ़नी है। तो काउंट का काम क्या होता है? काउंट का काम होता है ये सिर्फ नंबर्स काउंट करता है, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। एंड सेकंड है हमारा काउंट ए, काउंट ए का वर्क होता है ये हमारा नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, जो हमारा नंबर एंड जो टेक्स्ट हम राइट डाउन करते हैं ये दोनों को काउंट करता है। हमारे दोनों काउंट होते हैं। उसके बाद काउंट ब्लैंक का काम होता है ये सेल, जो हमारे ब्लैंक सेल होते हैं वो हमारे काउंट होते हैं, इसमें जो भी हमारे ब्लैंक सेल होंगे वो इसमें काउंट हो जाएंगे। उसके बाद काउंट इफ का काम होता है ये हमारा सिंगल रेंज का डाटा निकालता है, सिंगल रेंज इसमें काउंट होती है, इसमें सिंगल रेंज क्राइटेरिया हम फाउंड करते हैं। एंड काउंट टिप्स जो है हमारा, काउंट टिप्स इसमें हमारा मल्टीपल रेंज ऑफ डाटा काउंट होता है, रेंज ऑफ क्राइटेरिया। कुछ इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, काउंट का काम होता है नंबर काउंट करना, काउंट ए का काम होता है टेक्स्ट नंबर बोथ काउंट करना, काउंट ब्लैंक का काम होता है ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है, काउंट इफ का वर्क होता है ये हमारा सिंगल रेंज का क्राइटेरिया निकालता है, एंड काउंट इफ का वर्क होता है हमारा ये मल्टीपल रेंज क्राइटेरिया निकालता है। कुछ इस तरीके से हम काउंट सीरीज का यूज करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं अपने, इस रेंज में हम ब्लैंक सेल भी देंगे, नेम सेल भी देंगे, कुछ भी, जैसे टेक्स्ट दे देते हैं हम, कोई टेक्स्ट सेल भी दे देंगे, उसके बाद नंबरिंग दे देंगे, कुछ भी, ब्लैंक सेल भी दे दिया मैंने ऊपर, ये दो ब्लैंक सेल छोड़ दिए। तो यहाँ पे हम एक एक सेल ब्लैंक भी छोड़ रहे हैं, नंबर्स भी दे रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है हमें और देखना है कि ब्लैंक कॉलम काउंट होंगे या नंबरिंग वाले कॉलम काउंट होंगे या टेक्स्ट वाले कॉलम जो भी हम लिख रहे हैं वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई, ब्लैंक सेल भी दिए हैं, इसमें नंबर्स भी दिए हैं, टेक्स्ट भी दिया है, तो अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, तब हम इसको यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे काउंट पे जाते हैं। तो काउंट का काम मैंने यहाँ पे बताया था, काउंट का काम है नंबर काउंट करता है ये ओनली। तो हमने यहाँ पे रेंज दी हुई है अपनी पूरी, यहाँ से हमारा स्टार्ट है पूरा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट मैंने बताया नंबर काउंट करता है, तो देखते हैं हम इज इक्वल टू में काउंट लगाएंगे। सबसे पहले टैप किया मैंने एंड यहाँ से मैंने अपनी रेंज बनाई है पूरी, तो मैं शिफ्ट के साथ ही पूरी सेलेक्ट करूँगी, शिफ्ट के साथ पूरा यहाँ तक हमने ले लिया, ये वाला ब्लैंक सेल भी ले लिया। उसके बाद हम ऊपर आएंगे एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा जो इसमें दिखा रहा है कि ब्लैंक सेल जो है हमारे 9 है, तो इसके अंदर अगर आप एक भी सेल ब्लैंक करके देखेंगे तो यहाँ पे नंबर घट जाता है, और अगर बढ़ा देंगे तो
तो कुछ इस तरीके से इसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो काउंट का काम क्या होता है, ये नंबर्स को काउंट करता है। उसके बाद काउंट ए का वर्क होता है, मैंने बताया है काउंट ए का वर्क होता है, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। लगाते हैं फिर इसमें काउंट ए, ये लिखा गया। हमें टैप करने हैं डायरेक्ट एंड यहाँ से पूरी रेंज से सेलेक्ट कर देनी है। अगर एक साथ सेलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जो हमारा सेल है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करना है एंड एंटर कर देना है। तो हम यहाँ देखेंगे कितने 16 आंसर आ रहा है। अगर मैं इसमें डीपी टेक्स्ट या नंबर बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट का यूज़ करते हैं। काउंट ब्लैंक में हमने बताया हमारे जो भी ब्लैंक कॉलम हैं वो काउंट होंगे। काउंट ब्लैंक तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो करना है। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट, ये लिखा रहा है काउंट ब्लैंक, हमने टैप किया एंड डायरेक्ट हम यहाँ पे आए। शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। अब हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक कॉलम जो है हमारे 11 है। अगर हम इसको इसमें एक नंबर लिख देते तो ये जो ब्लैंक कॉलम है घट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट सीरीज का यूज करते हैं। अब हमें ये फाउंड करना है, देखिए हमने यहाँ पे नंबर्स भी निकाल लिए, टेक्स्ट और नंबर भी निकाल लिए, ब्लैंक कॉलम भी निकाल लिए, बट ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें कि हम सिर्फ नॉर्म मुझे टेक्स्ट मिले, मतलब टेक्स्ट कितने लिखे हैं मैंने इसमें मुझे सिर्फ उसी उन्हीं का आंसर मिले। तो टेक्स्ट काउंट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है आप लगा के देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे काउंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।